मधुमक्खी पालन, क्या कोई मधुमक्खी पालन से करोड़ों रुपये कमा सकता है? आज हम आए हैं सहारनपुर के अंदर हाईटेक नेचुरल्स पे। यहाँ पे हम आपको मिलवाएंगे देवराज शर्मा जी से। देवराज शर्मा जी जिन्होंने एक बहुत छोटे काम से शुरुआत की और आज उनका कारोबार 20 करोड़ से ज़्यादा है। उनसे मिलवाएंगे कि आखिर मधुमक्खी पालन में कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है या वो किस तरीके से मुनाफे के अंदर है। आइए मिलवाते हैं उनसे, आइए हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, आप उन्हें एक बार अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम देवराज शर्मा है। मैं 2 नवंबर 1991 से मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ और मैंने लगभग अभी तक 25,000 लोगों को डायरेक्टली मधुमक्खी पालन में ट्रेंड किया है और 1,00,000 लोगों से ज़्यादा से मैं जो है पूरे देश भर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ हूँ। अब सर, इसमें हमें ये बताइए कि आपने 25,000 लोगों को ट्रेनिंग दी, वो है, अगर बात करें आपकी कि आप कब से कर रहे हैं मधुमक्खी पालन, तो वो हमें बताइए सर, और शुरुआत कैसे हुई थी उसकी? मैं आपसे जो बता रहा था अभी, 2 नवंबर 1991 मैंने स्टार्ट किया था, लगभग 29 साल मेरे को हो गए हैं और मैं जब इसी जगह से मैंने अपने 30 मधुमक्खी के बॉक्स मैंने लिए थे और मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ फ्लावर्स तोड़िया चल रहा था नवंबर में और काफ़ी सारा यूकलिप्टस वगैरह की उसकी क्रॉप थी और काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हुई और मेरे 30 बॉक्स से 75 बॉक्स यहाँ हो गए थे। अब सर बता रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें, आप जो बी हाइव बता रहे हैं या अलग अलग, वो क्या चीज़ें हैं हमें इसमें बताइए। जैसे कि ये एक बॉक्स रखा हुआ है जी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो बताइए। इसमें जो अभी आप देख रहे हैं लगभग ये 8 फ्रेम मधुमक्खी के हैं, ये खाली फ्रेम है और ये जो है एक फीडर है, तो जब ऑक्सीजन होता है फीड देते हैं और इसी के अंदर हमने एक क्यून एक्सक्लूडर लगाई है खड़े वाली, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी प्रोपोलिस स्ट्रिप है। सर, हमें ये भी बताइए कि अभी आप बी फार्मिंग के अंदर, मधुमक्खी पालन के अंदर कितने प्रोडक्ट इनसे निकाल रहे हैं, उत्पादन कितने प्रोडक्ट का ले रहे हैं? अभी हम इनसे हनी निकाल रहे हैं, बीज वैक्स निकाल रहे हैं, पोलन निकाल रहे हैं, प्रोपोलिस निकाल रहे हैं, रॉयल जेली भी निकाल रहे हैं और मैं बी वैनम भी निकालता हूँ। ये सारी चीज़ें निकालते हैं सर, एक बार चलते हुए बात कर लेते हैं। आइए, आप ये सारे प्रोडक्ट बता रहे हैं, अगर बात करें सिर्फ जैसे मधुमक्खी पालन, जो हम भी जानते हैं कि शहद का उत्पादन ही सिर्फ वो है और शहद का उत्पादन थोड़े रेट इस टाइम डाउन है, तो मधुमक्खी पालक जो है वो ये सोचते हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे वो बताइए सर। मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी सारी कॉलोनियों को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और अपनी, जैसे हमने इनमें सभी नई क्यून बनाई है, नई क्यून बनानी चाहिए जिससे हमारी बी बॉक्स में जो है बी कॉलोनी में अच्छी ब्रीडिंग हो सके और कॉलोनी स्ट्रॉन्ग हो, फिर धीरे धीरे करके हम सुपर लगाएं, जैसे कि अभी बरसात ख़त्म हुई है या होने जा रही है तो तुरंत हमारी जो कॉलोनी है सुपर में जाने लगेगी और हम एक सुपर की कॉलोनी से ही 30 kg से लेकर 50-60 kg तक हनी ले सकते हैं। अगर हमारी कॉलोनी कमज़ोर रहती है तो हम ज़्यादा हनी नहीं ले पाते। अगर हमारी कॉलोनी पे सुपर लग गया है, डबल स्टोरी में होगी है, तो ऊपर 10 फ्रेम ऊपर से हनी के जब हम एक बार में झाड़ते हैं तो लगभग 20 किलो हनी एक बार में ही निकल आता है। तो अगर हमें ज़्यादा हनी प्रोडक्शन भी लेना है, 50-60 किलो तक लेना है कम से कम, तो हमें सुपर में हमारी कॉलोनियों का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं बी पोलन की बात करता हूँ। बी पोलन हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हम इन 3 महीने में बी पोलन ले सकते हैं अच्छे से, फरवरी में भी ले सकते हैं, मार्च में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इन 3-4 महीने में बी पोलन लेते हैं तो हम एक कॉलोनी से कम 2 किलो से लेकर 5 किलो तक बी पोलन ले सकते हैं और उसको जो हम रॉ जो बी पोलन परचेज करते हैं फार्मर से लेते भी हैं, अगर हम उसकी भी कोस्ट जोड़ें तो 300 रुपये किलो से लेकर लगभग 500 रुपये किलो तक का बी पोलन का रेट होता है। मैं 2013 में जर्मनी गया था, एक एपिमोंडिया यूक्रेन में था, उसको होते हुए हमें एक बीकीपर मिले, उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ विजिट कीजिए और हम कैसे एक अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं और कैसे एक ज़्यादा कमा रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने वहाँ जब बताया कि उन्होंने बताया कि हम 600 यूरो तक कमा लेते हैं एक बॉक्स से, तो मैंने सीधा उसको गुना किया, यूरो को रुपीज़ में कन्वर्ट किया, लगभग 80 का मैं पकड़ूँ अगर यूरो तो लगभग 48,000 रुपये उनकी जो मेन इनकम थी वो बी वैनम से थी, उसके बाद रॉयल जेली से थी, उसके बाद पोलन से थी, उसके बाद बीज वैक्स से थी, हनी उनका लास्ट प्रोडक्ट था, हमारा हनी फर्स्ट प्रोडक्ट है और सारे प्रोडक्ट हम करते ही नहीं है, वो लास्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, चलिए सर एक बार आपका जो पूरा आपने सेटअप किया हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो सर, जो हनी आप निकाल रहे हैं उसकी कुछ टेस्टिंग भी होती होगी या, और आप कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं स्टोर भी करते होंगे, वो कहाँ पर कर रहे हैं? ये मेरी हनी प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ हम हनी, पोलन, प्रोपोलिस, रॉयल जेली,
इन सब का प्रोसेसिंग करते हैं और यहीं से ही हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए सर एक बार देख भी लेते हैं अंदर से कैसे हैं। और सर इसमें हमें एक और बात बताइए, आप प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्या आप इतना खुद का उत्पादन कर रहे हैं या आप दूसरे किसानों से जो बी फार्मिंग कर रहे हैं उनसे लेते हैं? ये जो है मेरे पास लगभग 5000 बी कॉलोनी है जिसका मेरा 100 मेट्रिक टन ही केवल प्रोडक्शन होता है, और उससे ज़्यादा मेरा ब्रीडिंग करना, क्वीन रेयरिंग करना, रॉयल जेली निकालना, तो वो सारी चीज़ें मैं करके करता हूँ। मैं हनी पे बहुत ज़्यादा अपना फोकस नहीं रखता, मेरा बी प्रोडक्ट्स के ऊपर, हनी के साथ साथ बी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी फोकस होता है। और मेरे साथ जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं मैं उन सब का भी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ कैसा हनी निकालना है, कोई वो गलती ना करें, कोई मेडिसिन ना खिलाएं मधुमक्खी को, और जो भी मेरे से जुड़े हुए फार्मर्स हैं उन सब का मैं हनी कलेक्ट करता हूँ और उनका पूरी तरह से ट्रेसेबिलिटी उनकी मेंटेन रखता हूँ। आइए चल सर देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे है पूरा प्रोसेसिंग प्लांट। सर ये बताइए कि प्रोसेस आखिर यहाँ पे क्या चीज़ होती है और कैसे प्रोसेस होता है हनी? देखो हनी में वैसे तो कुछ भी प्रोसेस करने के लिए नहीं है, अगर हमारा सभी बीकीपर सील्ड हनी निकाल लें तो डायरेक्टली फार्म से ही ड्रम में भर के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बीकीपर कच्चा शहद निकालता है इसलिए उसको पहले लिक्विफाई करना पड़ता है, फिर मॉइस्चर रिडक्शन करनी पड़ती है, फिर उसको फिल्टर करना पड़ता है, फिर इस टैंक में होमोजेनाइज करके एक पूरा लोट बनाते हैं। और सर जैसे आप बता रहे हैं कि आपने ये एस्टेब्लिश किया, हनी का रेट उस टाइम पे नहीं मिल रहा था प्रोसेस करने का, मुझे एक और बात पता चली कि जब रेट था बहुत डाउन था जब आपने यूनिट लगाई और आपने हनी जो फार्मर्स थे ताकि उनका फायदा बहुत हाई रेट कर दिया था, वो क्या था उसके बारे में बताइए सर? हमने उसी साल जो फार्मर्स का जो हनी था 75 रुपीज से लेके 90 रुपीज तक, 75 मस्टर्ड का, 90 रुपीज यूकलिप्टस का खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन 2009 में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उससे पहले कुछ हमारे देश से कुछ लोगों ने हनी भेजा था बाहर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जिसमें कुछ गड़बड़ हुई थी, तो उन और कुछ यूरोपियन यूनियन के लोगों की एक विजिट हुई थी इंडिया के अंदर, उस विजिट में उन्होंने थोड़ा गड़बड़ पाया, वो फार्मर्स लेवल पे विजिट हुई, एक्सपोर्टर्स लेवल पे विजिट हुई, तो जब उनके यहाँ विजिट वो हुई तो यूरो ईयू जो कमीशन आया था उन्होंने विजिट करी थी एक दो हनी प्रोसेस प्लांट, तब तो हमारा प्लांट नहीं था, तो इंडियन हनी को ईयू कमीशन ने बैन कर दिया था। तो मेरे लिए ये था एक वही साल मेरा आया काम करने का और उसी टाइम यूरोपियन यूनियन ने इंडियन हनी को बैन कर दिया, तो हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया कि एक प्राइस भी अच्छी मिलनी चाहिए और इंडियन हनी को ईयू से जो है एक्सपोर्ट होना शुरू होना चाहिए, क्योंकि जबकि इंडियन हनी ईयू नहीं जा रहा था, या तो यूएस रहा था और मिडिल ईस्ट रहा था, लेकिन यूएस वालों के दिमाग में आने लगे भाई कुछ प्रॉब्लम जरूर इंडियन हनी में है, अगर ईयू ने बैन किया है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो एक ये खतरा मंडराने लगा था कि यूएसए वाले भी सोचने लगे थे कि कुछ गड़बड़ है, हमें भी कुछ सोचना चाहिए, तो इसलिए ईयू का जो बैन था उसको खुलवाने के लिए हमने भरसक प्रयास किए और उसको हमने खुलवाया। मतलब कि आपने 20 रुपये से सीधा 75 रुपये फार्मर्स के बेनिफिट के लिए आपने ये किया। और दूसरा आप बता रहे हैं कि दिक्कतें जैसे कि दूसरा बैन कर देता है देश या वो होता है कोई सिरप मिला रहा है, ये सब टैकल करने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्ट भी बनाए हैं, जैसे परपोलिस का आपके प्रोडक्ट हैं, बी वेनम के प्रोडक्ट हैं और जो अलग अलग चीज़ें हैं रॉयल जेली सबके प्रोडक्ट हैं, वो देख लेते हैं एक बार। तो सर ये भी बताइए कि जो आप हनी से और मतलब कि जो बी फार्मिंग के अंदर जैसे परपोलिस आप बता रहे थे, बी वेनम बता रहे थे और रॉयल जेली, उनसे आप कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं? देखो अभी क्या था कि हमारा जो फार्मर्स है, हमने सबसे पहले मेक इन इंडिया क्या जो हमने बताया आपके टूल्स बनाए थे, अब फार्मर के सामने ये आया कि हमारे सामने भी कि भाई हम इनको बेचें कहाँ, तो हमने लगा कि भाई इसमें ज़रूरत है यहाँ कुछ और बड़ा करने की और इनके प्रोडक्ट्स बना के मार्केट करने की, तो जब हमने इक्विपमेंट्स टूल्स उनको देना शुरू किया तो वो हमारे पास प्रोपोलिस लेके आ गए, रॉयल जेली लेके आ गए, पोलन लेके आ गए, तो हमने उन सबका वो परचेज करना शुरू कर दिया। जब हमने उसको परचेज किया, परचेज करने के बाद मेरे पास एक पूरी R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, उनके साथ मिलकर हमने रिसर्च किया और उसके हमने नए नए प्रोडक्ट बनाए, ये हमने इनमें केवल हम फर्स्ट टाइम इन इंडिया आए ये सारे प्रोडक्ट, पहले किसी ने नहीं बनाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी दिवाली आने वाली है तो लोग जो है इसमें गिफ्ट देने की परंपरा है हमारे में,
इसमें क्या होता था, अभी जो है ड्राई फ्रूट्स दे देते थे, मिठाई दे देते थे, वो सड़ने लग जाती थी फ्रिज में और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। तो लोग जो है, एक मैं चाहूँगा कि दिवाली पे अपने मित्रों को या अपने दोस्तों को गिफ्ट करते हैं तो उनको क्यों ना हेल्थ दी जाए और एक अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध कराया जाए। तो जैसे आपने ये बहुत सारे हनी देखे हैं, नीम का, जामुन का, कैशिया का, तो हमने वो सारे हनी, 9 तरह के हनी इस अकेले गिफ्ट पैक के अंदर रख दिए हैं ताकि उसको जो भी हनी खाएगा उसका उसका टेस्ट उसको मिलता जाएगा। और ये गिफ्ट पैक हमने बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे रखा है, वो इन गिफ्ट पैक को प्राप्त कर सकता है। और ये जो है, हमने इसके बहुत तरह के, लगभग मेरे 10-12 तरह के गिफ्ट पैक्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो मैरिज का कार्ड, शादी का कार्ड अपने बेटी का या बेटे का देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी आजकल हमारे पास इनके ऑर्डर्स आने लगे हैं। और हमने एक स्पेशली एक इसमें एक ऑप्शन दिया है लोगों को कि आपने सपोज 200 कार्ड बांटने हैं पूरे देश भर में, वो 200 कार्ड पूरे एड्रेस के साथ मेरे को दे दो, आप गिफ्ट सेलेक्ट कर दो, तो वो 200 के 200 कार्ड हम उनके सभी रिलेटिव्स के यहाँ पहुँचा देंगे। तो कहने का मतलब है कि आपने जो भी बी फार्मिंग के अंदर प्रोडक्ट निकलते थे उन्हें आपने प्रोडक्ट में डेवलप किया जो कंज्यूमर तक सीधे पहुँच सके, और इससे फार्मर को भी फ़ायदा होगा और जो कंज्यूमर है उसे भी फ़ायदा होगा। अब सर एक बार बाहर चल के बात कर लेते हैं और डिटेल से, जो फार्मर्स जानना चाहते हैं और कैसे वो ट्रेनिंग कर सकते हैं सारी बातें करते हैं, आइए हमारे साथ जी। सर आप हमें ये बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि हमारी बात हुई कि आप एपिमोडिया के अंदर या विदेश में जैसे जाते हैं, वहाँ पे भारत की तुलना में अगर देखा जाए तो आपको वहाँ पे क्या सीखने को मिलता है? देखो मैं अगर ये कहूँगा कि अगर हम बाहर जाके देखें, मैं सबसे पहले एपिमोडिया 2007 में मेलबोर्न में अटेंड किया और उसके बाद मैं लगभग 8 एपिमोडिया विजिट किए हैं, तो ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। एक तरफ आप ये समझ लो कि जिस तरह से पहले हम एक आदमी गड्ढा खोदता था एक फावले से, वो पाइप दबते थे और एक जेसीबी से वो खोदता चला गया, और उसके बाद नई पाइपलाइन है तो एक जगह खड़ी मशीन ही नीचे पाइपलाइन दबाती चली जाती है। तो अभी एक तरह से बीकीपिंग में ये समझ लो कि हम फावड़े से गड्ढा जैसा खोदने जैसा काम कर रहे हैं। हम एक ऐसी बीकीपिंग कर रहे हैं जिसमें साइंटिफिक उतनी बीकीपिंग नहीं है वो, और हमारे अभी तक भी वही पुराने ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं। मैं अपने आपके माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों से ये कहूँगा कि वो बीकीपिंग, साइंटिफिक बीकीपिंग करें और पूरी टेक्नोलॉजी के साथ बीकीपिंग करें। अब सर हमें ये भी बताइए कि अगर जैसे कोई सामने से किसान भाई देख रहा है, आप उसे कहते हैं कि बी फार्मिंग के अंदर आए, वो शुरुआत कैसे कर सकता है, कितने रुपए से शुरुआत कर सकता है, वो हमें बताइए सर। मैं इसमें मेरा सुझाव ये है कि जो बीकीपर जो ट्रेनिंग लेके मधुमक्खी पालन स्टार्ट करता है वो कम से कम 50 बॉक्स से उसने स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 50 बॉक्स से उसको उसके खर्चे भी निकल जाएंगे और उसको प्रॉफिट भी आ जाएगा। अगर वो माइग्रेशन करता है तो उसको 50 बॉक्स के लिए गाड़ी तो लगेगी, वो 10 पे भी उतना ही खर्चा लगने वाला है और 20 पे भी और 50 पे भी, तो कम से कम 50 बॉक्स से उसने स्टार्ट करना चाहिए। अगर किसी के पास पैसे नहीं है या कम पैसे हैं तो 10 बॉक्स से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन 10 बॉक्स से उसको 50 बॉक्स जाने में लगभग 1 साल लग जाएगा, यानी 1 साल के बाद फिर उसकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो एक तरह से या तो जिसके पास कम पैसे हैं वो कम बुक से स्टार्ट करके 50 बुक्स में जाए, वहाँ से वो अपनी एक ऑप्टिमम उसकी अर्निंग स्टार्ट होगी। मैं इसमें आपसे ये कहूँगा कि जो 50 बुक्स का बीकीपर है वो 1 साल में बड़े आराम से 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच कमा सकता है, यदि वो हनी, पोलन, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, वैनम सब चीज़ निकाले तो। मतलब कि इसमें ये ज़रूरी अनिवार्य है कि सारे प्रोडक्ट तो निकालने पड़ेंगे, उसे सिर्फ शहद से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल शहद से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि शहद से उसके खर्चे भी नहीं निकलेंगे। अगर हमें शहद पे हम डिपेंड रहे तो हमारे साल भर के खर्चे निकालने भी मुश्किल होंगे, क्योंकि जो या तो वो रिटेल में हनी सेल करे, क्योंकि रिटेल और बल्क में हनी की जो प्राइस है वो उसका बिग डिफरेंस है उसके, या तो वो उसके पास एक टीम हो वो उसको पैक करे, बोटलिंग करे, बेचे, प्रोसेस करे, तो उसका हनी अच्छे रेट में बिक सकता है, और अगर वो उसको बल्क रेट में सेल कर रहा है हनी को तो उसके फिर उसके खर्चे उससे निकल सकते हैं केवल। तो सर हमें इसमें आप ये भी बताइए कि मान लीजिए अगर कोई किसान है या कंज्यूमर है, कोई आपसे प्रोडक्ट लेना चाहता है, किसान है, आपसे जानकारी लेना चाहता है, विजिट करना चाहता है, देखना चाहता है कि आपने क्या काम किया है, वो भी शुरुआत करना चाहता है, तो वो कैसे आपको संपर्क कर सकता है, कहाँ पे आ सकता है, वो हमें बताइए सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 नवंबर 1991 मैंने स्टार्ट किया था, 15 दिसंबर उसी साल 1991 से ही मैंने बीकीपिंग की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था। अभी तक मेरे पास जो डेटा है बाकायदा नाम फोटो के साथ में 25,000 लोगों का डेटा है जिनको मैं देश भर में ट्रेनिंग दे चुका हूँ, बीकीपिंग शुरू करा चुका हूँ,
और वो सारे के सारे लोग ज़्यादातर उसमें 90% लोग बी कीपिंग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यदि किसी आदमी ने अभी भी बी कीपिंग स्टार्ट करनी है, फार्मर ने या किसी बेरोजगार व्यक्ति ने, तो मेरे दरवाजे हर वक्त 24 घंटे उनके लिए खुले हुए हैं और मेरी लगातार उनकी ट्रेनिंग रहती है। और मैं अपना नंबर आपको बताना चाहूँगा कि मेरा लैंडलाइन नंबर है दिल्ली का 0111-2213-5556 और मेरा वहाँ एक टोल फ्री नंबर है जो है 8010100800। इसके ऊपर वो दिन में सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक वो आराम से कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। मेरा ऑफिस दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी बात कर सकते हैं और यहाँ भी पहुँच सकते हैं। ये मेरी ये यूनिट जो है बीराखेड़ी, मेरी जो गांव का नाम है उसमें भी BEE आता है, बीराखेड़ी पड़ता है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सहारनपुर से गंगो रोड पर है 30 किलोमीटर पर। और यहाँ हर वक्त मेरे यहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। जिनका बॉक्स किसी को ले चाहिए, सामान चाहिए, जो भी बी कीपिंग इक्विपमेंट टूल्स चाहिए, वो 24 घंटे यहाँ अवेलेबल रहते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी देवराज शर्मा जी से बात। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि अगर आपको बी फार्मिंग करनी है तो आपको सिर्फ शहद पे निर्भर नहीं रहना है, अलग अलग प्रोडक्ट, प्रोपोलिस हो गया, रॉयल जेली हो गया, या दूसरे प्रोडक्ट हैं, आपको वो बनाने पड़ेंगे, वो सेल करने पड़ेंगे, तभी आप प्रॉफिट के अंदर आएंगे। इसमें हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, जो सरकार जो नंबर है और जो एड्रेस है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, इसमें आपका पैसा भी नहीं लगेगा, टोल फ्री नंबर है। तो ये वीडियो किसान भाइयों हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।